अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार फ्रेंड्स। मेरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, आज हम बात करेंगे इंडिया के फेवरेट ऑनलाइन शॉपिंग ऐप मीशो के बारे में। मीशो से ना मैं पिछले 7-8 महीने से शॉपिंग कर रही हूँ, जिसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी पॉजिटिव मिला है और मीशो से कुछ ड्रेसेस भी कलेक्ट की है, जिसको मैं आज आप लोग से शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट वाला जो ड्रेस है ना, वो कुछ इस तरीके से है। ये कुर्ता प्लाजो विद दुपट्टा सेट है। ये जो है ना, ये दुपट्टा है, दुपट्टा पूरा प्रिंटेड है। दुपट्टा का जो डिज़ाइन है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। ये देखिए, दुपट्टा जो है ना, एकदम पूरा का पूरा प्रिंट किया हुआ है, इस तरीके से, इस तरीके का डिज़ाइन से प्रिंट किया हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो दुपट्टा है ना, ये 2 मीटर का आया है। हाँ, 2 मीटर का है दुपट्टा, डिटेल्स में भी है। तो दुपट्टा को कर लिया साइड पे, और ये है प्लाजो। प्लाजो जो है ना, वो आप लोग भी देख रहे हैं, एकदम प्लेन है, कोई भी डिज़ाइन नहीं है इसमें, ये देखिए। और प्लाजो का एकदम नीचे वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉर्डर किया हुआ है, इस तरीके का डिज़ाइन से बॉर्डर किया हुआ है। और कमर जो है ना, कमर भी इलास्टिक इलास्टिक लगा हुआ है। और ये रहा सिलाई, कपड़ों का सिलाई देखना ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको मतलब, कपड़ों का अगर सिलाई ठीक ना हो ना, तो फैब्रिक जितने भी अच्छे क्वालिटी का हो, जितने भी अच्छे डिज़ाइन के कपड़े हो, मतलब एकदम बेकार है अगर सिलाई अच्छे ना हो। एक दो बार पहनने के बाद वो फट जाता है, इसलिए सिलाई को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा प्लाजो नहीं यार, ये कुर्ता है। कुर्ते के जो स्लीव्स है ना, स्लीव्स से भी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है, और कुर्ता पीछे से एकदम प्लेन है, कोई भी डिज़ाइन नहीं है, एकदम प्लेन है। और आगे से नेक पे ये देखिए, ये डिज़ाइन किया हुआ है, एकदम सिंपल सा डिज़ाइन किया हुआ है, जो बहुत ही सिंपल सा ड्रेस ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुर्ते का जो नेक है ना, वो राउंड नेक है। तो ये रहा कुर्ता, कुर्ते की भी सिलाई देख लेते हैं। ये देखिए, कुर्ते का भी ना जो सिलाई है ना, बढ़िया है सिलाई, मतलब डबल सिलाई किया हुआ है, सिलाई मतलब मज़बूत होना चाहिए, तो सिलाई एकदम बढ़िया है। तो अब इसका लुक भी देखते हैं। तो ये रहा इसका लुक। उधर ना विंडो के पास मैंने वीडियो किया था, पता नहीं उसका कलर चेंज हो गया, लेकिन ये जो कलर है ना, ये कपड़े का, इस ड्रेस का, मतलब एकदम ओरिजिनल कलर जो है, ये है। तो ये कपड़ा कुछ इस तरीके से दिखता है, पहनने से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। सबसे बड़ी बात है, कपड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये देखिए दुपट्टा, दुपट्टा जो है ना, जब मैंने ऑर्डर किया था तब ना दिखाई दिया कि एकदम पैर तक लंबा है दुपट्टा, लेकिन बाद में जब मैंने पिकअप किया है और पहना है, देखा तो दुपट्टा थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया है। मतलब इसको ना पीछे से एकदम 1 इंच का रखा है, और आगे पे सारा मतलब एकदम लटका दिया है, इस तरीके से फ़ोटो खिंचवाई है उन लोगों ने, और हमें दिखाया कि बहुत लंबा दुपट्टा है, धोखा हुआ है। फिर भी उतना ख़राब नहीं है, क्वालिटी जो है ना वो ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया है, फिर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये देखिए, तो हमारा जो फास्ट ड्रेस है ना, वो गया। अब आया सेकेंड ड्रेस, ये वाला। ये जो है ना, फर्स्ट वाला जो था ना, इसका फैब्रिक रियोन का था, और ये भी सेकेंड ड्रेस भी रियोन का है। इसका नेक का डिज़ाइन देखिए यार, बहुत अच्छा है। मैंने एल साइज मंगवाया है ये। और ये रहा इसका दुपट्टा। दुपट्टे का क्वालिटी बहुत अच्छा है। और ये उसका कुर्ता है। कुर्ता मतलब ये अनारकली मैक्सी टाइप ड्रेस है, ये एकदम लॉन्ग है। इसको पीछे से ना कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, और आगे से नेक पे इस तरीके का डिज़ाइन है, ये देखिए। और ये जो दिख रहे हैं ना, ये ना क्या है, अगर जो ड्रेस थोड़ा सा अगर लूज हो जाए ना, तो इसको यहाँ से बांध के ना, तो मतलब फिट कर सकते हैं। और ये रहा स्लीव्स इसके, और पता नहीं यहाँ पे थोड़ा सा दाग पड़ गया, मैंने नहीं गिराया, मुझे ऐसा मिला।
तो इसका भी लुक देखते हैं। ये रहा इसका लुक फ्रेंड्स। जब मैंने ऑर्डर किया था ना, जब देखा था पूरा लॉन्ग दिखाई दिया मुझे ये जो कुर्ता ना, तो मैंने पिकअप किया, पहना तो मुझे शॉर्ट पड़ गया है। तो इसके साथ मैंने एक शरारा भी पहन ली है। इसके साथ अगर आप लोग भी किसी के साथ ऐसा होना तो इसके साथ आप लोग शरारा पहन सकते हैं या पैंट प्लाजो पहन सकते हैं। और ये रहा दुपट्टा, ये देखिए कंफर्टेबल है ये वाला जो ड्रेस है ना, ये वाला भी बहुत कंफर्टेबल है, एकदम सिंपल सा जेंटल सा ड्रेस है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा थोड़ा दिक्कत आया है ये वाला जो है कुर्ता, थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया है, वो वाला जो है दुपट्टा थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया है, लेकिन क्वालिटी जो है ना वो अच्छा है, इसलिए मैंने इसको रख लिया है। तो ये रहा हमारा थर्ड वाला जो ड्रेस, थर्ड वाला जो है ना येलो कलर का है ये इसका फैब्रिक क्वालिटी है कॉटन का है, कॉटन का ड्रेस है ये देखिए इस पे ना पूरा प्रिंट किया हुआ है, येलो के बीच में वाइट का प्रिंट किया हुआ, वाइट कलर का प्रिंट किया हुआ है। इसका कमर जो है ना पैंट का, पैंट प्लाजो, पैंट भी नहीं है प्लाजो भी नहीं है, पता नहीं बीच में क्या है, जो भी है पैंट है ये, पैंट का जो कमर है ना वो इलास्टिक किया हुआ है। और इसका डिज़ाइन नहीं, इसका सिलाई भी देख लेते हैं। सिलाई जो है ना, इसका भी सिलाई डबल किया हुआ है यार, हर कपड़े का ना जो सिलाई है ना वो बढ़िया है। तो ये रहा हमारा पैंट, इसको रख लेते हैं उधर, आते हैं इधर। इधर है अनारकली, अनारकली विथ पैंट है ये, इसका नेक जो है ना इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। और ये रहा अनारकली, यार ये जो फ्रॉक है ना ये काफ़ी गहरा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला ड्रेस। इस पे ना कोई भी दिक्कत नहीं आया, ये वाला ड्रेस पे किसी तरह की दिक्कत नहीं, जैसा देखा मुझे वैसा ही मिला। ये देखिए इसका भी सिलाई देखते हैं, इसका भी सिलाई जो है ना वो डबल किया हुआ है। सिलाई जो है ना, हर कपड़े का सिलाई एकदम परफेक्ट है। तो इसका लुक ये रहा, इसका लुक ये पैंट है, हाँ ये पैंट है अनारकली विथ पैंट, काफ़ी कंफर्टेबल ड्रेस है। आप इसको घर पे भी रेगुलर इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस पे पहन के जा सकते हैं, मार्केट पे जा सकते हैं, पार्टीज पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा हमारा थर्ड वाला ड्रेस, मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला ड्रेस, सब अच्छा लगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब आते हैं फाइनल ड्रेस पे, ये जो है ना इसको मैंने थंबनेल पे भी लगाया है, इसने ना मेरा दिल को खुश कर लिया है, क्योंकि जब मैंने इसको देखा ना, इसको ऑर्डर किया था, मुझे लगा कि यार जैसा देखा शायद वैसा नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद जो की थी ना उम्मीद से ज़्यादा अच्छा निकला, और उम्मीद से ज़्यादा अच्छा होना कोई चीज़ तो समझिए कितना खुशी होती है। इसका जो हाथ है ना, हाथ पे इस तरीके से इलास्टिक किया हुआ है, ये कपड़ा जो है ना प्योर कॉटन का है। ये देखिए इसका भी सिलाई दिखा लेते हैं, इसका भी सिलाई एकदम मजबूत है। अब इसका लुक देखते हैं, इसका जो नेक है ना वो भी राउंड नेक का है। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से है, हाथ पे मैंने कहा था ना इलास्टिक किया हुआ है। फ्रेंड्स मैंने ना एक बार मीशो इतना भी मैंने कहा ना काफ़ी पॉजिटिव मिला है, लेकिन पूरा नहीं मिला है। एक बार मैंने मंगवाया था मेरे अम्मा के लिए ड्रेस, मैंने मंगवाया था, उनको बताया नहीं था। जब मुझे मिला ना इतना मतलब बकवास ड्रेस मिला, क्या बताऊँ, मतलब इतना शर्म, मतलब शर्म वही बार गुरी है दिलाई सी रिटर्न। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि मेरी ड्रेस कलेक्शन का वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा, और मुझे लगता है थोड़ा सा हेल्प भी होगा, अगर कोई इस तरीके के कपड़े लेना चाहे तो मुझे लगता है इस वीडियो से हेल्प होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगे, और लाइक करना मेरी वीडियो को, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।